आने जा रही हूँ क्लास फोर के विषय हिंदी अध्याय पांच और आज पढ़ने जा रही कहानी जिसका नाम है तीन भाई। तो तीन भाई के बारे में आज हम लोग जानते हैं। तीन भाई कैसे थे पहले ये बताते हैं। तीन छोटे छोटे भाई थे जो हमेशा सुबह से शाम तक आंगन में खेला करते थे और आंगन कैसा था, चारों तरफ से घेरा हुआ था, है ना। और तीनों बच्चे सुबह से शाम तक खेला करते थे और एक जैसी उन लोगों का कद काठी लगभग, सब एक जैसा कपड़े भी पहनते थे, जैसे एक जैसे पतलून पहनते थे, जैकेट पहनते थे एक जैसे टोपी भी पहनते थे तीनों। और उन लोगों का चेहरा कैसा था, उन लोगों का चेहरा था गोल और आंखें कैसी थी, भूरी, है ना, भूरी भूरी उन लोगों की आंखें थी। मैं उन्हें केवल उनके कद से पहचान सकता था। राइटर क्या है, यहाँ का राइटर है मैक्सिम गोर्की। इन्हीं राइटर कहानी का राइटर कौन है, मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की क्या करते थे, ये तीनों बच्चों को जब सुबह से लेकर शाम तक आंगन में खेला करते थे तो आंगन जो घेरा हुआ था उसमें एक बाड़ थी, बाड़ के छोटा सा किनारे एक छेद था और उस छेद से वो तीनों बच्चे को सुबह से लेकर शाम तक देखते थे। और वो तीनों बच्चे खूब सुंदर सुंदर नए नए गेम खेलते थे। जो ये जो राइटर है जो छुपे चोरी छिपे देखते थे उन लोगों को, सो बोलते थे कि हम तो ये सब खेला कभी खेल भी नहीं किए, कभी खेले ही नहीं है, इतना अच्छा अच्छा नया नया खेल ही लोग तीनों भाई खेलते रहते थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये तीनों बच्चे की नज़र इस राइटर पे, राइटर जो चोरी छिपे बाढ़ से देखते थे तीनों बच्चे को, इन लोगों पर कभी नज़र गया ही नहीं। तो एक बार क्या हुआ कि ये सबसे छोटा जो भाई है, जो उन लोगों को कैसा था, छोटा भाई सबसे छोटा था और वो नाटा था। नाटा का मतलब हुआ यहाँ जिसका हाइट शॉर्ट हो, छोटा हो, वो गोल मटोल था और नाटा भी था और बड़ा भला भी लगता था। तो जब वो खेलते खेलते गिर पड़ जाता था तो दोनों जो और बड़े और मझले भाई हैं वो क्या करता था, उसको अपने हाथ पकड़ के उसको ऊपर उठाता था और गंदा अगर लग जाए कोई कपड़े में तो पत्ते से या रुमाल से वो गंदा को झाड़ देता था। तो इसी तरह से ये सब जो क्रियाकलाप तीनों भाई में होते रहती थी तो होते रहता था। तो राइटर जो है वो चोरी छिपे ये सब देखा करते थे। तीनों भाई क्या करते थे, खेलते खेलते कभी लड़ते झगड़ते भी थे, लेकिन उन लोगों में एक बड़ी खूबी थी कि वो लोग लड़ते झगड़ते भी के बाद जब छोटा भाई गिर भी जाता था तो उन लोगों को कोई हंसता नहीं था। छोटा भाई जैसे कि बताइए तुम तो बुढ़वा है, तुम तो बुद्धू है, हम बोल देते हैं किसी को, इस तरह का नहीं था उन लोगों में। लोगों में वो बच्चे को खूब धीरे से अपने छोटा भाई का आदर पूर्वक उठाता था, बोलता था कैसे गिर गए हो तुम, लेकिन किसी को कोई छीटा कैसे नहीं करता, अच्छा से तीनों भाई खेलता था। एक दिन क्या हुआ कि राइटर क्या किए कि ध्यान बटाने के लिए अपने वो राइटर जो छोटे बच्चे वो भी थे वो पेड़ पर चढ़ गए और पेड़ पर चढ़ के क्या करने लगे, सीटी बजाने लगे। और जब सीटी बजने लगा तीनों भाई जो खेलने में आंगन में मशगूल थे तो उनके तरफ ताके, उनके तरफ जब ताके तो राइटर को लगा कि जे ये बच्चे सब हम लोगों के तरफ आंगन में देख रहे हैं, हो सकता है हमको छोटा छोटा ढेपा उठा के हमको मारेगा। तो वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सीटी बजाने के बाद देखने के बाद वो भी नीचे पेड़ से उतरते हैं और पॉकेट में खूब सारा क्या करते हैं कि आंगन में कोने में खेलने में मशगूल हो चुके थे। इसी बीच वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी जेब में रोड़े भर लेते हैं कि हम भी चढ़ पकड़ा, अगर हमको मारेगा तो हम भी उन लोगों को मारेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जब वो पॉकेट में रोड़े भर के जब पेड़ पर फिर से वो चढ़े तब क्या हुआ कि जो वो बच्चे लोग तब तक दूसरा आंगन के कोई कोना पकड़ के फिर खेलने में मशगूल हो गए, उसके तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया राइटर की तरफ। राइटर इतना कोशिश कर रहा है कि मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ देखे, हमें खेलने के लिए बुलाए, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। सीटी बजाने के बाद भी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि एक दिन इसी तरह से खेल ही रहे थे तो घर के अंदर से आवाज़ आई, चलो शाम होने लगी तुम लोग घर आओ। तो बत्तखों की टोली के तरफ मतलब लाइन से एक लाइन से तीनों घर के अंदर लोग चले जाते हैं। इसी तरह से दिन गुजरते गए। अक्सर वो क्या करते थे राइटर, पेड़ पर चढ़ के बैठ जाते थे और तीनों भाइयों को देख मैंने निहारते रहते हैं, सारा दिन देखते रहते थे कि जो लोग क्या करते रहते हैं, कैसे खेलते हैं, ये सब वो लोग देखते रहता था। तो खेलते खेलते कभी कभी वो लोग हंस भी पड़ते थे और कभी कभी तीनों भाई अपने आप को आपस में बातें भी करने लगते थे। तो उन लोगों को बातें करते देख और हंसते देख राइटर जो पेड़ पर चढ़ के बैठ जाते थे उन लोगों को देखने के लिए, उन लोगों को बातें हंसते हुए देखते थे तो वो भी हंसते थे और जब वो लोग बातें भी करते थे तो वो भी कुछ बोल देते थे उसी बीच में। तो उन लोगों का जब
जब ये राइटर यहाँ पेड़ पे चढ़ के कुछ बोलते तो उन लोगों तीनों भाई एक साथ उसको खाली देखता ही था, लेकिन कभी खेलने के लिए कभी नहीं बुलाया अपने पास। एक दिन क्या हुआ, एक दिन की कहानी ये है, इसी तरह से खेलने के क्रम में वो लोग खेलने लगा, तीनों भाई मिलके क्या खेला, लुका छुपी खेलने लगा। और इसमें चोर के बना, मझला भाई चोर बना, और बड़ा भाई और छोटा भाई क्या किया कि छिपने को चला गया। तो मझले भाई क्या किया, अपने दोनों हथेली से आंख बंद किए और अनाज के जो घर है कोना उसके कोना पे आंख मूंद के खड़ा हो गए और एक दो गिनती गिनने लगे और बोले कि तुम लोग जाओ छिपो। तो बड़ा भाई छोटा भाई छिपने लगे। तो बड़ा भाई कहाँ जाके छिपे, अनाज घर के जो छप्पर था, छप्पर के नीचे क्या रखा हुआ था, स्लेज, स्लेज एक तरह से गाड़ी धुआं होता है, उसी के अंदर जाके वो छुप जाता है। लेकिन छोटा भाई जो था गोल मटोल नाटा सा, वो क्या कर रहा था, कहाँ छुपेगा कहाँ छुपेगा उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो वो जो कुआं था आंगन में कोने में उसी के चारों ओर गोल गोल घूम रहा था जी, कहाँ छुपे कर रहे थे। इतने में मझला भाई बोलते हैं कि मेरा काउंटिंग हो गया, मैं अभी आ रही हूँ तुम लोगों को ढूंढने। तो वो हड़हड़ाहट भाई के मारे क्या करता है कि कुएं पे जो बाउंड्री दिया रहता है कुआं का उसी पर वो चढ़ जाता है और चढ़ के क्या करता है कि रस्सी पकड़ के कुएं का जो पानी भरने का बाल्टी होती है उसी में जाके बैठ जाता है। और बैठ जाने के क्रम में क्या होता है, बाल्टी सड़ घूमते हुए कुएं के अंदर चला जाता है। और नीचे कुएं में जैसे ही गिरने की आहट मिलती है तो झनझन झनझन बाल्टी का आवाज़ होता है, खाली इतना ही दीवारों में टकराते हुए बाल्टी नीचे की ओर जाते यही आवाज़ सुनाई देता है। और मझला भाई दौड़ते हुए जाता है और वो रस्सी को कुएं का बाल्टी के रस्सी को पकड़ के खींचने लगता है, लेकिन भाई का और बाल्टी का वजन उससे खींचा नहीं जाता, खूब जोर से खींच रहा था। तब भी उसका उंगली मैंने इतना कस भाव वजन के कारण उसका लग रहा था कि उंगली कट जाएगी छोटी, चूंकि वो सब छोटे छोटे बच्चे थे तो वो खींच रहा था। लेकिन वो जो राइटर थे लेखक थे वो ये जब चीज़ जो देखते थे डेली डेली प्रतिदिन, तो वो उतरे तुरंत उतरे और उतर के आके वो भी रस्सी को पकड़ते हैं और खींचते हैं ऊपर की तरफ। तो तब तक बड़ा भाई भी पीछे से आ जाता है, वो भी रस्सी पकड़ के छोटा वाला भाई को क्या करता है कि बाहर निकालता है। लेकिन जब निकालता है तो देखता है कि जो उसके दाहिने अंगुली के जो उंगली सब है वो फट गया है और खून उंगली सब में से निकल रहा है। और क्या हुआ है, ये गाल है जो गाल भी दीवार से टकराने की वजह से छिल छड़ गया है, जिससे से खून निकलने लगा। तो क्या हुआ कि अब वो डर गया छोटा बच्चा, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराया और बोला मैं गिर गया भाई, इतना ही बात वो बोलता है। लेकिन तब तक क्या होता है कि जो मझला भाई है सो उसको बड़े आदर भाव के साथ गले लगाता है और उसका खून साफ करता है, मुंह साफ करता है और बोलता है कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा होता है। तब तक बड़ा भाई भी माथा उठा झाड़ के उसको बोलते हैं चलो अब घर चलो। और उसका क्या होता, पानी में गिरने के कारण आधा कपड़ा पूरा नी कमर से नीचे तक भीग गया था। तो बड़ा भाई बोले चलो जल्दी घर चलो नहीं तो सर्दी लग जाएगी, और घर चलो। तो मैंने और बोला कि नहीं देरी से जाएंगे और आज तो तुमको पिटाई होगी क्योंकि तुम बदमाशी किए हो, तो ठीक है। तब तीनों में तब बड़ा भाई उसको जो दोस्त लेखक राइटर जो रस्सी पकड़ के खींचने में उन लोगों को मदद किए थे, तो उन लोगों को बोलते हैं जी कि तुम्हारा धन्यवाद हमारे मदद करने के लिए, क्योंकि तुम तुरंत फौरन आ गए तभी मेरा भाई को हम लोगों का सहारा मिला कि उसको निकालने में मदद हुआ। तो इस तरह से दोनों में दोस्ती हो जाता है। बड़े जो इतना दिन के कोशिश के बावजूद जब बच्चे लोग उनसे दोस्ती नहीं करते थे तो उसको बड़ा भाई प्रशंसा किया राइटर का और लेखक का यार प्रशंसा किया, बोला कि तुम आए मदद की इसके लिए तुमको धन्यवाद। तो वो जो अपना प्रशंसा सुना वो इतना खुश हो गया राइटर लेखक से, उससे हाथ वो हाथ बढ़ाया बड़ा भाई उससे दोस्ती करने के लिए, वो अपना प्रशंसा सुन के इतना भाव विवल हो गया कि उसके तरफ हाथ भी वो बढ़ा ना सका। तब तक क्या हुआ, मझला भाई और छोटा भाई बोलता है कि चलो घर चलते हैं। तो बोलता है कि जे तुम लोगों को पिटाई होगी क्या, तो बोलता है कि हाँ हाँ हम लोगों को भी पिटाई होती है घर पे जाने पे। तो चलो आज बोलना मत कुएं में गिर गया, बोलना कि हम लोग किचन में गिर गए थे, छोटा सा किचन आंगन में गड्ढा है उसमें गिर गए थे, इसलिए किचन में गिरने के कारण कपड़े गंदे हो गए भीग गए, यही बात बतानी होगी घर पे जाके, सही बात नहीं बतानी है, नहीं तो खेलने को मौका नहीं मिलेगा, खेलने के लिए मम्मी पापा नहीं छोड़ेंगे, तो इसलिए वो लोग झूठ बोले थे। और ये लोग चले गए और इसी तरह से क्या हुआ कि अब एक सप्ताह तक वो फिर भी राइटर फिर आए, फिर आके एक सप्ताह इंतजार करने लगे कहाँ गया बच्चा, सब तीनों बच्चे जो खेलते थे कहाँ गया, आंगन में दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन एक हफ्ते बाद फिर वो तीनों बच्चे दिखाई देने आंगन में खेलने आए और वो भी उनके साथ मित्रता तो हो ही गई थी उसी दिन, तो वो भी आके उन लोगों के
साथ खेलने लगे। इस तरह से दोनों तीन चार में दोस्ती हो गई और वो पूछने भी लगे, क्या तुमको मार पड़ी थी? तो बोले हाँ हम लोगों में पिटाई हुई थी। तो यही है, लेखक बहुत कोशिश किए, कोशिश करने पर मित्रता तो हो ही जाती है धीरे धीरे, और तीनों वैसे चारों सब दोस्त बन गए और एक साथ मिलके खेलने लगे। अब तो यही थी कहानी। अब चलो शब्दार्थ की ओर, देखो बोर्ड की तरफ क्या क्या शब्दार्थ मिला इस कहानी में। मगर, मगर मतलब होता है मग्न, अरे या किसी काम में पूरा ध्यान लगाना। खिन, खिन मतलब होता है उदास या दुखी। चूंकि राइटर को, लेखक को इस कहानी में वो लोग बुलाता नहीं था, वो इसलिए वो खिन हो जाते थे, उदास हो जाते थे। एक खिन का मतलब उदास या दुखी। सद्भाव माने अच्छा भाव। तीनों भाई मिलजुल के एक साथ खेलते थे, कभी मारा पीटी का किसी को गंदे बात नहीं होते थे, यही है सद्भाव। सौहार्द मित्रता। मन भावन मन को अच्छा लगने वाला। स्वाभाविक मतलब कुदरती। मशगूल मतलब मगन होना या खो जाना। कांड माने घटना या हादसा, कुएं में गिर जाना घटना या हादसा ही था। बाग बाग होना मतलब बहुत प्रसन्न होना। सुधी, सुधी का मतलब होता है याद या होश। आनंद फानंद मतलब तुरंत या फौरन, जैसे कुएं में गिर गया था तो पेपर से कूद के लेखक किए थे, आनंद फानंद में दौड़ के आए थे और उसको रस्सी को तुरंत 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 खींचने लगे थे। मैत्रीपूर्ण मतलब दोस्ताना, मतलब वो तीनों लड़कों के साथ राइटर का लास्ट में दोस्ताना दोस्त मैत्रीपूर्ण मित्रता हो गया था दोनों में। आज के लिए इतना ही। आप लोग घर में कहानी को पढ़िएगा और ये शब्दार्थ को याद कीजिएगा। धन्यवाद।